यहां तो अल्लाह के बाद मां बाप डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह, अल्लाह का कोई साथी मत बनाओ, साझेदार मत बनाओ, पार्टनर मत बनाओ, शिर्क मत करो, शिरकत मत लाओ, किसी को शरीक ना करो, ला शरीक है वो। और फिर कह रहा है वकील वाले देखे ऐसा वालदेन के साथ अच्छा सुलूक करो, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स, मां बाप के लिए। अभी कहा अल्लाह की सबसे बड़ी जात और कहा मेरे घर में मेरे मां बाप। फरिश्तों का जिक्र हुआ, समझ में आया मासूम है, किताबों का अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम के बाद किताबें, रसूलों का जिक्र हुआ, ठीक है कि मां बाप अजब अजब टाइप के मां बाप है, वो भी हमारे मां बाप है जो करोड़पति है, वो भी है जो खलासी है, वो भी है जो लेबर है, वो भी है जो लीडर है, वो भी है जो व्यापारी है, वो भी है जो सफाई कर्मी है, मां बाप तो है वो भी है जो आलिम दीन है मां बाप। तो ये बात बात के अलग अलग किस्म के मां बाप, इनका जिक्र अल्लाह के नाम के बाद सोचो। एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा अहमियत वाला और सबसे ज्यादा मोहब्बत जिसे तुम करोगे वो क्या है? तुम्हारा पैदा होना। पैदा होना इस जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है। मैं यहां हवाओं में बोल रहा हूं, पीले तरीकत का नारा लगाते हो, जाने क्या क्या बना रहे हो उसको, ये तब तुमको मौका मिला। मैं पैदा हुआ था, आशमी पैदा ही नहीं होता तो जीरो, पैदा ने बनाया हीरो। ये जो लोग पैदा नहीं है वो क्या करेंगे? तुम बहुत बड़े मुश्तहिल बने का पैदा हुए जो, तुम प्रधानमंत्री बने का पैदा हुए हो, तुम ऑफिसर बने का पैदा हुए हो, इनकम टैक्स ऑफिसर पैदा हुए हो, वाला हजरत बने का पैदा हुए का, पैदा ही ना होते तो कौन गौसे आजम, पैदा ही ना होते तो कौन करीम नवाज। ये अल्लाह का एहसान है नबी पैदा, सुभान अल्लाह। पैदा से बात कुछ नहीं, और जहां बच्चे पैदा नहीं होते वहां दुआ मांगी जाती है, करवानी बाबा मेहरबानी, निजामी बाबा मेहरबानी, मासूम बाबा तुम्हारा तो नाम ही मासूम है, घर में चिराग मांगते फिरते हो। तो औलाद का पैदा होना, तुम्हारे बचपन में मां का दूध मिला, पैदा हुए तब मिला, जवानी मिली, अरे पैदा होने के बाद मिली है, बीवी मिली है वो भी पैदा होने के बाद मिली है, तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे पैदा होने के बाद पैदा हुए हैं। इस पूरी दुनिया हमारी पैदा होना, जैसे कहते हैं हिंदी में जन्म, विरादत,
अरबी में मीरा, वो कितने लालच लोग हैं जो पैदा होने का जस नहीं पाता। यही तो सबसे कीमती नियमत है, अल्लाह ने हमें पैदा किया। तो उससे बड़ी नियमत क्या है? हमारे गौसे आजम को पैदा, गरीब नवाज को पैदा। उससे बड़ी बात क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैदा, फातिमा जहरा को पैदा किया, ये मुर्तजा मुश्किल कुशा को पैदा किया। और सबसे बड़ी नेमत यह है कि मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह, न मीलाद होती न कहीं अल्लाह की याद होती। कम टू दी पॉइंट, अपने परिवार में आओ, तुम्हारा पैदा होना ही आज तुम लाश के मालिक हो, पैदा हुए होता और दुनिया डबोल से वो सब खुशबूदार चीजें लाते हो, पैदा हुए हो तब ला रहे तो क्या बताओ, तेरे पैदा होने से ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ है? ताजमहल ही नहीं है तेरी कीमत का, क्योंकि ताजमहल का ताजमहल है जब बंदे पैदा हुए था, कोई पैदा ही नहीं होता, देखने आएगा कौन जाता। तो सबसे ज्यादा कीमती हमारा पैदा होना है, और उससे ज्यादा कीमती पैदा करने वाला है। पैदा करने वाला ना होता तो हम पैदा ही नहीं होते, तो अल्लाह ना होता तो हम पैदा ही नहीं होते। हमारा पैदा होना अल्लाह के होने की दलील है। और भाई माँ बाप ना होते तो कैसे पैदा होते? तो तेरे पैदा होने में अल्लाह और माँ बाप दोनों की मेहरबानी है, इसलिए आज के कुरानी है ना कुछ का भी शगन भविष्य वाले देंगे। डीजल भर करके डांस चलाते हो, डीजल खत्म पैसा है ना। कोई नादान कोई कैप्टन ऐसा भाव बेवकूफ होगा कि डांस का डीजल बाहर फेंक के समंदर में चलेगी डांस? वो कितना बेवकूफ लड़का है जो अपनी जिंदगी से मां बाप को फेंक देता है, उसकी जिंदगी की लॉन्च चलेगी अगर माँ बाप ने। तो हमारी पैदाइश में अल्लाह का कर्म है और माँ बाप का कर्म है, इसलिए दोनों का जिक्र इकट्ठा है। क्या और एक बात, ला तुशरे को भी शया, अल्लाह का शरीक मत बनाओ, अल्लाह जैसा किसी को मत मानो, और उसी में आ गए भविष्य वाले टाइम पे ऐसा तो वाले की तरह भी किसी रिश्तेदार को बनाओ, जैसे अल्लाह की तरह दूसरा अल्लाह नहीं है, वैसे अब्बा की तरह दूसरा मत नहीं हो रहा, माँ की तरह दुनिया में कोई और न, यहाँ पार्टनर बनाओ ना वहां पार्टनर बनाओ, यहां पार्टनर बनाओगे तो गिनती कुफार में होगी, और मां बाप की तरह किसी और को समझोगे तो गिनती गद्दार में जाओ, न कुफार में जाओ ना गद्दार में जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको रास्ता दिखा दिया, शिर्क मत करना, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, शिर्क माफी नहीं होता, इसीलिए बड़ी मुश्किल से होता नहीं। जिसने कलमा पढ़ लिया, जिसने एक वक्त की नमाज पढ़ ली, नमाज रोजा हज और ज़कात को मान लिया, उससे शिर्क होगा ही। शिर्क के लिए तो हमारे पास 80-90 करोड़ मुल्क में मौजूद, वो शिर्क में पैदा हुए, शिर्क में जवान हुए, शिर्क में मर गए। अगर मुसलमान गुनहगार है, फलाना खालसा जहन्नम में डाल दिया गया तो कुछ दिन के लिए वहां जलेगा, फिर जन्नत में जाएगा, लेकिन वहां जलेगा
तो मुशीर का हाल ये यहां भी जलता है और वहां भी जलता है। अब आइए मैं आपको सबसे पहले बधाई दूंगा ईद उल अजहा, फिर एक रास्ता बता दूंगा घर के अंदर बैठे बैठे खुदा मिल जाए तो। घर के अंदर मिलेगा परिवार परवरदिगार और देगा मेरा परिवार, परवरदिगार को परिवार से ले ले, बाहर मत ढूंढ, पता नहीं कौन बाबा किसके रूप में मिल जाए। जब तक पहचाना नहीं था 5 करोड़ लोग उसके शिष्य बन गए, पर जब पहचान लिया तो जेल में आसाराम बाबू वगैरह। बाहर मत ढूंढ, घर ही में जन्नत, घर ही में खुदा मिल जाए। लेकिन मैं आपको इस बात की पता नहीं घर में सर्दी करने का गाइडलाइन के हिसाब से मौका मिलता है नहीं मिलता है तो उसकी बधाई पहले दे दूं। ये बकरीद आखिरी महीना है, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का, हजरत इस्माइल की कुर्बानी का ये सीधा ईद उल अजहा। हम बकरीद कहते हैं ये हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सलाम की कुर्बानी। और जैसे पहला महीना आता है मुहर्रम, वो हजरत इब्राहिम के पोते की कुर्बानी का, इमाम हुसैन उनके रफाका और उनके खानदान के लोग जो शहीद हुए बलिदान शहादत कुर्बानी। मुहर्रम में कुर्बानी पहला महीना साल का, ज़िलहिज्जा आखिरी महीना, यानी तुम कुर्बानी से शुरू हुए कुर्बानी पर। कमाल की बात ना कि मुहर्रम में जिसने कुर्बानी पेश की वो हुसैन है शायद, तो बकरी में जो कुर्बानी उन्हीं के सगे पर दादा इब्राहिम बने, यानी एक ही घर वालों ने कुर्बानी दी इब्राहिम और आने इब्राहिम। इसीलिए जब कहते हो कमा सल्लै ताला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम, समझ गए नमाज में आले इब्राहिम क्यों रखे गए, ताकि आखिरी कुर्बानी उनकी भी याद रखना और आले मोहम्मद जो रखे गए हैं वो पहली कुर्बानी याद रखना मुहर्रम। अब आइए कोई 5 वक्त की नमाज नहीं, 15 वक्त की नमाज सारी रात नफिल पढ़ा और दिल से सारा दिन कुरान पढ़ा, दरवाजे पर किसी को ना नहीं बोलता फकीर, 5-5, 6-6 हज की उम्र हर साल जकात देता कितना देख बंदा पर फारी और काइंड इंफॉर्मेशन। अगर उससे मां नाराज है न नमाज काम आएगी न रोजा काम आएगा हज काम आएगा, क्योंकि नमाज तुमने सीखा है तब पढ़ा है, रोजा रखना सीखा है हज करना सीखा है तब दिया है। लेकिन तेरी अम्मा यहां तक तू सीख के नहीं आया, उसका बलिदान है 9 महीने तक पेट में रखा, कमजोरी में कमजोरी सुस्ती पर सुस्ती दर्द पर दर्द बर्दाश्त करती रही, जैसे ही तू गोद में आया तो अपने खून से बने हुए दूध को 2 साल पिलाती रही, उसे भी तू राजी न रख सके जिसकी कोख से जन्म लिया। हर औरत औरत है बीवी से गुनाह से बचने का जरिया है, लेकिन जो दर्जा मां का है बाप का है वो आपका नहीं है। क्यों जंगलों में बैठो बाल वाल करो बाल वाल करो,
अरे घर में मां है, अपना वजीफा बना लो, अपना तरीका बना लो, अपनी आदत बना लो। सुबह उठकर के चाय पीने की आदत है, नहीं मिलेगी तो बेचैन हो जाओगे। बीड़ी सिगरेट की आदत है, नहीं पियोगे बेचैन हो जाओगे। ये भी आदत बना लो कि अगर बिस्तर से उठने के बाद मां का पैर नहीं चूमा तो आदत बना लो कि बुरी हालत हो जाती है अगर मैंने मां का कदम नहीं चूमा। एक सहाबी ने एक मन्नत मानी, ए अल्लाह मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं जन्नत के दरवाजे का ऊपरी और नीचे और चौखट चूमूंगा और मेरी मदद पूरी हो गई। यार खुदा जज्बे में मैंने नियत कर ली कि जन्नत का दरवाजा चूमूंगा और मैं जन्नत का दरवाजा चूम करके मन्नत अदा कैसे करूं। तो सरकार ने पूछा तेरे माँ बाप हैं? उनका दोनों का इंतकाल हो गया। तेरे माँ बाप हैं का दोनों का इंतकाल हो गया। अब्बा के सरहाने बोसा ले ले और अम्मा के पैर की तरफ बोसा ले ले, तूने जन्नत के दरवाजे का बोसा ले। अबे घर ही में माँ बाप, माँ नमाजी है कि नहीं, रोजेदार है कि नहीं, वो पर्दा करती है कि नहीं, उसके बाद वो अम्मा है बस। हम क्वालिटी पे अम्मा नहीं होती, सेक्रीफाइस पर अम्मा बनती है। कितना आसान है। और एक बात बताओ मेरे नौजवानों, अगर तुम रोजाना अपनी माँ का पैर चूमोगे तो चाहे आमदनी में से 10 रुपया कटा दोगे बुरा नहीं मानेगी, मेरा बेटा मान रहा है कि मेरा पैर चूमेगा। एक बात और बता दो, इसमें हम हजरत मासूम की बारगाह में जाते हैं, हाजी करमानी की बारगाह में जाते हैं, गरीब नवाज आपको मौका मिलता है रात में तो गौसे आजम की कब्र, गरीब नवाज के कब्र, पैसा भी तो उसमें था, पहली उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि कब्र का बोसा लिया जाए कि ना लिया जाए। चादर की बात नहीं कर रहा, गला उठा कर चुन लिया वो अलग, कब्र कच्ची कब्र है उसे चूमा जाएगी नहीं, पक्की है उसे चूमा जाएगी नहीं। उलमा का ख्याल है चूम सकते हैं, कुछ और बगैर नहीं, बचना चाहिए, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, दूरी शादा से हाथ बढ़ते। इख्तलाफ है औलिया की खबरों को चूमने पर, इख्तलाफ है। आप चूमेंगे गुनेगार नहीं होंगे, नहीं चूमेंगे गुनेगार नहीं होंगे। इख्तलाफ का मतलब यह है कि दोनों साइड होना एक राम है, लेकिन अम्मा की कच्ची कब्र को होंठ से चूमने में किसी आज़म की कब्र पर इख्तलाफ हो जाए गरीब नवाज की और अम्मा की कब्र पे ना हो, समझो तेरी अम्मा तेरे लिए क्या है, वो सिर्फ माँ नहीं है, जन्नत में जाने की सीढ़ी है। पकड़ ले अपनी माँ को, यह माँ बेकार बकरा बरा या सब नहीं बनेगी। हाँ अबे हाँ करने की आदत एक औरत के सामने क्या मुश्किल है, दुनिया भर हाँ करते फिरते हो तो जिसने राजी कर लिया अपने माँ बाप को उसने राजी कर लिया परवरदिगार को।